ग्रीक पौराणिक कथाओं में आणिन देवता। नमस्कार, इस वीडियो में आप ग्रीक पौराणिक कथाओं में आणिन देवताओं का एक संक्षिप्त अवलोकन देखेंगे, साथ ही इन देवताओं से जुड़ी उनकी उत्पन्नी नवशेषताओं और नमतकों का नववरी भी देखेंगे, जो आपको उन्हें अनेक गहराई और नवस्तार से समझने की अनुमति देगा। ननमनलखत वीडियो नस में ग्रीक पौराणिक कथाओं से जुड़े ब्रहाई ब्रहाई का अनेक नवस्तार से इलाज न किया जाएगा। तानक आपको एक व्यापक ग्रहणी प्राप्त करने में भी न मिल सके। उस समय का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत संस्करी हेनसेयोई द्वारा अपने थेओगोनी में एकत्र न किया गया संस्करी है। यह अराजकता से शुरू होता है, एक गहरा खालीपन। इससे गया पृथ्वी और कुछ अन्य आणिम निव्य प्रायी उभरे इरोस, लव, एनबस, टाटर और एरेबस। कॉस्मोगुणक नमथक तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूवट से निकट पूर्वी समाजों में जीवन का नहस्सा थे। जैसे जैसे प्राचीन ग्रीस की संस्कृति नत नवकंसत हुई, ग्रीक कण्वयों ने इरेन पूर्वी नमतकों को अपनाना शुरू कर लिया। पहला प्रयास होमर के इनले में ये खा जा सकता है, जहां इसके एक अंश में यह बताया गया है नक हेरा नेट पी की है नक वह अपसु के बेबीलोनियन नमथक की याई के रूप में येवताओं के पता, येवताओं के पता और मांटेंथस को समेटना चाहती है। और नत्यामत इस अथट में प्राथमिक तत्व के रूप में पानी का नवचार चीजों की प्रक्रिया नत की व्याख्या करने के लिए एक आणिन तत्व की खोज में नमलेटस के थेल्स को पूबटनन मटत करता है। पौराणिक ग्रीक कणव और संगीतकार ओनफट यस का ब्रहाई नवज्ञान एक खाली कै ओस और दृश्यमान यूनिया के बीच की खाई को एक अलग कहानी से भरने की कोशिश करता है। नजस के अनुसार हर चीज की शुरुआत में कै ओस, नाइट, ननक्स और एरेबोस थे। आइए अब हम एक एक करके आणिकालीन देवताओं को देखें। अव्यवस्था हेनसेयोई केन थेओगोनी के अनुसार कै ओस पहली चीज थी जो अखस्तत में थी। कोनक कै ओस मूल रूप से एकमात्र मौजूदा इकाई थी, बाई के एकताओं को नन्नित रूप से इससे उत्पन्न होना चाण है। यह उस बारे में है जिससे ब्रहाई और ग्रीक एवताओं स्नेहत सब कुछ बनाया गया था। सबसे पहले कै ओस यादृखिक नवकार की खस्थनक थी जो नक आणिम शून्य में मौजूद थी और उसके गभट में एक ब्रहाई अन्य के बनने के तुरंत बाई और अन्यरेमें फले एवताओं का उत्पायन करने के बाई। ग्रीक इतिहासकार हेनसेयोई के अनुसार कै ओस भी टाटाटस और बाई में ऊपर के स्वगट की तरह एक जगह थी। हेनसेयोई ने सेयूर भूनमगत उर्यास जगह के रूप में वणितक न किया। कै ओस से निकलने वाले फले एवताओं के साथ हेनसेयोई प्रत्येक ज्ञात तत्व से संबंधित एवताओं की स्थापना करता है जो प्राथमिक तत्वों से शुरू होता है, पृथ्वी, आकाश और समुद्र। जी ये यद्यनप ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति गया को प्राचीन ग्रीस के पंथ में नवशेष रूप से सम्मानित नहीं न किया गया था, हालांकि मनिर उसे स्मरण पटक थे। यद्यनप गया नमथकों में एक व्यक्ति के रूप में कायट करता है और कभी कभी मानव रूप में जमीन से उभरती कला के कायों में निखाया जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है नक वह एक भौतक और प्राकृतिक नतक के रूप में पृथ्वी के साथ तत्काल और प्रत्यय पहचान के कारी पूरी तरह से मानवरूपी देवता है। तत्व वह ब्रहाई की नन माटता है, वह भणवश्य की भणवश्यवाई करने में भी सिम थी, इसलिए उन्हें एक भणवश्य व्या भी माना जाता था। गी नेय के लेयूरेनस को जन्म लिया। तारों वाला आकाश नफर उसके साथ एकजुट होकर टाइटन्स को जन्म लिया। टाइटेनस, साइक्लोप्स और हेकाटोनचेयर भी पैया हुए सौ भुजाओं वाले नवशाल और नहंसक प्राई। यूरेनस अपने भी बच्चों से नफरत करता था, नजस के लिए उसने उन्हें अपनी माँ की गहराइयों में रहने के लिए मजबूर न किया। एक दिन उसने उन्हें मुई करने का फैसला न किया और उनसे अपने पता से बिला लेने के लिए कहा, लेनकन बेस भी उससे बहुत इरते थे। केवल सबसे छोटा क्रोनस ने स्वीकार न किया, कोनक वह उससे बहुत नफरत करता था। गया ने अपने बेटे क्रोनस को एक स्टील का ईरानती लिया। क्रोनोस ने अपने पता के अनिकोष काट लिए और उन्हें अपने पीछे फेंक लिया। घाव से भने वालेरी नेगी को नंशेंचक न किया और वहां से पेड़ों से संबंधित सभी देवताओं के अलावा निगज हेरण्यस और अप्सराओं का जन्म हुआ। इस नवक्री नत के बाई गया पोंटस में शानमल हो गया, नजस से समुद्री देवताओं का जन्म हुआ। क्रोनोस ने यूनन्या पर शासन न किया और एक भयानक अत्याचारी बन गया था और अपने भाइयों को टाटाटर्स में बनी कर लिया था, इसलिए गेने एक नया बिला लेने की योजना बनाई। ररिया और क्रोनोस के बच्चों को उनके पता ने खाना लिया था, लेनकन जब वह जीउस के साथ गभटती हुई तो उसने मी मांगी। ये और यूरेनस ने उसे भाग्य के रहस्य का खुलासा न किया और उसे खाया न क्रोनोस को कैसे मात की।
जब बचा पैया होता है तो गया उसे एक गुफा में छुपा लेता है। उसी समय क्रोनोस को मनटलस में नलपटा एक पत्थर मिया जाता था। नट से उसने बना अंतर एक ही खाना लिया। जब जीउस बड़ा हुआ तो उसने खुले तौर पर क्रोनस के साथ लड़ाई लड़ी और गया ने उसे बताया नक उसे टाइटन्स की मी की आवश्यकता होगी। जब ज्यूस ने उन्हें टाट्रस से मुइन किया तो उन्होंने उसे बजली गड़गड़ाहट और नबजली अंथियारनिये नजस के साथ उसने अपने पता को नसनहासन सहटा लिया। लिंकन गया अभी भी हेकाटोनचसठ के भाग्य से असंतुई थी जो हार गया था। इस नले वह टाटाटर्स प्रसातलों के एवता के साथ एकजुट हो गई और टाइफून को जन्म लिया। नजस के साथ एवताओं को लंबे समय तक लड़ना पड़ा। इसके अलावा इस संघ से एक और राइस इनकिना का जन्म हुआ। अनेकांश नथोबोनी गया को नवनभन राइसों जैसे नक चरीबनिस हापीज पाइथन गोल्डन फ्लेस के संरिक इर एगन और यहां तक नक प्रंसखी के मातृत्व का श्रेय देते हैं। तातार टाट्रस यूनानिया का सबसे घना क्षेत्र है जो पाताल लोक के नीचे खस्थित है। यह वह स्थान था जहां देवताओं की क्रणमत पीढ़ियों ने अपने शत्रुओं को कह इन किया था। ग्रीक पौराणिक कथाओं में थाकंथत टाट्रस अनंत पीड़ा का एक तूफानी स्थान था जो ईसाई इमट के नकट के समान था। टाट्रस एक जगह होने के अलावा एक देवता था जो ईथर और गैया का पुत्र था। टैटारस एक साइट के रूप में पाताल लोक से भी अनेक गहराई में अयरवल्डट के आतों में खस्थित था। टाट्रस इतना इयूर का स्थान था नक वह स्वगट और पृथ्वी के बीच की इगुरी के बराबर था। यह रात की तीन परतों और कांसे की एक ईवार से घरा हुआ था। नजस ने एक अनियेरे शीतोष्ण और उरियास कुएं का ननमाटी नक्या वहां टाइटन्स को कैरी कर न लिया गया था। पाताल लोक मृतकों की यूनन्या थी। नस में सभी ने प्रवेश न किया था। लिंकन टाटाटस शानपतों का घर था जो नक इजटनोनव शाल नसर और सैकड़ों मजबूत हथियारों के साथ निगजों द्वारा संरणित थे। नजन है काटोनसट कहा जाता था। यांतेस्क नकट की तरह टाटाटस में जीवन में नकए गए योश केनले सजा को अनुकूलत न किया गया था। टाटाटस का अपना समकी एनलनसेन फील्ड्स था जो सियाचारी और वीर का ननवास था। नजस के हरे भरे खेत और फूलियार घास के मैयान ने एक सुखी अनंत काल का वाया न किया था। जब वे मर गए तो उन सभी का न्याय पाताल लोक केरबार द्वारा न किया गया जो राय अमनतस एकस और नमनोस सिबना था। नजन होने प्रत्येक प्राणी के अन्यतम भाग्य पर शासन न किया था। एरोस यह जुनून प्यार और कुल्ला तड़प को वी करता है और इसका अखस्तत्व आनिन प्राणियों को नग्ना शारीरिक नमलन के नए प्राणी बनाने की अनुमति देता है। इरोस प्रेम के ग्रीक देवता थे या अनेक सटीक रूप से भावुक और शारीरिक इया के चेतावनी केन बना वह अपने लक्ष्यों को चुनता है और उनके निलों पर जोर से प्रहार करता है। नजस से भ्रम और अपरिवर्तनीय भावनाएं पैया होती हैं। ग्रीक कला में इरोस को अक्सर एक लापरवाह और सुनिर युवक के रूप में नचंत्रत न किया जाता है। नज से फूलों के साथ ताज पहनाया जाता है नवशेष रूप से गुलाब जो भगवान के साथ ननकट्टा से जुड़े थे। अन्य संभावित मूल ब्रहाई की उत्पन्नी और ग्रीक पौराणिक कथाओं के देवताओं के वंश के सबसे पुराने संस्करियों में से एक नथियोगोनी 6वीं शताब्दी ईसा पूवट में अपने काव्य कायट में एनसेओई ने समझाया नक इरोस गया पृथ्वी के साथ मौनलक अराजकता के बाई उत्पन्न हुआ और टैटारस अनिर्बल्डक इसके भाग के लय अरिस्टोफेन्स द्वारा कॉमेई लास एबिस 414 ईसा पूवट में अनियेरे और छाया के देवता एरेबस द्वारा ननशेंचत होने के बाई रात की एवी ननक्स द्वारा रखे गए एक अनियसित गवान का जन्म हुआ। विलेने प्लेटो ने अपने काम की बैंकवेटर 385 से 370 ईसा पूवट में नलखा है। नक इरोस का जन्म बहुतायत के देवता पोरोस और गरीबी का प्रतिनिधित्व करने वाले पेनया के मलन से हुआ था। यह संयोजन प्रेम की उभयलिंगी नवशेषताओं की व्याख्या करता है जो मातृपि से विरासत में अमली स्थायी कमी और पैतृक प्रचुरता और साहस से कभी कभी भगवान चंचल और हानरणहत रूप से शरारती होते हैं। लिंकन कभी कभी वह आयतजनक हमलों के साथ क्रूर होते हैं जो केवल लापरवाह जुनून और भ्रम लाते हैं। भगवान अपने शिकार के साथ हवा मेम्फस से एक असहाय पिए की तरह खेलते हैं। प्रजन देवता के रूप में भी सम्मानित वह सोनियट और कामुकता की एवी एफ्रोयाइट और यूई के देवता एरिस का पुत्र है। सोनियट की एवी और यूई के देवता के पुत्र होने के नाते इरोस एक योहरे देवता है। न जिस तरह प्यार खुशी का पयाटे बन सकता है उसी तरह यह एक और पीड़ा भी पैया कर सकता है।
इयूसरो में प्रेरक जुनून के अलावा यह भगवान अपने ही तीरों का नशकार हो गया और इयूनन्या की सबसे खूबसूरत मढ़ला मानी जाने वाली नश्वर मानस से प्यार हो गया। योनो के मलन से उनकी इकलौती बेटी हेयोन का जन्म हुआ जो कामुकता का प्रतीक है। सबसे अनिक प्रंतरने नमथक यह हैनक इरोस सौयटोर कामुकता की एवी एथ्रोयाइट और यूई के येवता एरेस का पुत्र है। हालांक अन्य लेखन से संकेत नमलता हैनक इस एवी ने समुद्र के झाक से ग्रस्त होने के बाय उसकी कल्पना की थी और उस नमलन से जुड़वाब चेपैया हुए थे इरोस प्रेम के येवता और हाइमेनेस वासना और यौन इया के येवता। ये यो भाई ओटोस के साथ ग्रीक पौराणिक कथाओं में प्रेम के पंखों वाले येवताओं इरोस का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह त्रयी उन गुणन्यायी घटकों को जोड़ती है जन पर हर ररष्टा आयारत होता है प्यार इरोस यौन इया हाइमेनेस और लालसा ओटोस। इरोस के मथक इरोस और मानस का नमथक। मानस एक ऐसे राजा की बेटी थी न जिसने अपनी सुनिता से पुरुषों को चकाचौनी कर लिया था। इसने कई लोगों ने उसे एफ्रोयाइट के पुंजटन के रूप में पूजा करने और उसकी बेनियों को त्यागने का कारी बना लिया। ईशियाट लुएवी ने अपने बेटे रोस को आयेशनिया नक वह उस मरहला को सबसे अनप्रय और नीच पुरुष के प्यार में पड़ जाए जो मौजूद हो। हालांक भगवान उसकी सुनिरता से मोहित हो गए और उसे अपने महल में ले गए जहाँ उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया। हालांक अपनी माँ के क्रोई से बचने के लिए वह केवल रात में और अनियरे में उससे मल ने गया तानक उसकी असली पहचान उजागर न हो। अपनी ईशियाट लुभनों से प्रभावित होकर एक निन साइके ने भगवान के सो जाने की प्रतिया करने का फैसला न किया और अपने चेहरे को एक ईपक से रोशन न किया। नक वह कौन है नवश्वास घात का पता चला। इरोस ने उसे छोड़ने का फैसला न किया और उर्यासी ने उसे अपनी सुलिरता खोई। योशी महसूस कर रही मनहला ने अपनी इमा पाने के लिए कई खतरनाक परी न कहे। आखरी में वह अपने प्रेमी की सुनिरता को बहाल करने के लिए पसेफोन से उसकी सुनिरता के बारे में पूछने के लिए नरक में गई। अंत में इरोस ने उसे माफ कर लिया और अपनी माँ और जीउस से हमेशा के लिए एक साथ रहने के लिए अमर मानस में लौटने के लिए नवंती की। योनो के मलन से उनकी इकलौती बेटी हेयोन का जन्म हुआ जो कामुकता का प्रतीक है। एफने और अपोलो का नमथक। एक अन्य कहानी में कहा गया है नक सुयट तकट और संगीत के येवता अपोलो एक इन्वेटर और गायक के रूप में इरोस की इंताओं का मजाक उड़ाते थे। बिला लेने के लिए उसने अपना एक तीर उस पर चलानिया तानक उसे याफने नाम की एक अप्सरा से प्यार हो जाए। लेंकन बिले में उसने युवती पर एक शीशे की नोक से एक और फेंका तानक वह उसके लिए अवमानना और नतस्कार महसूस करे। अस्वीकृति नत के बावजूद भगवान ने उसकी तलाश जारी रखी और उत्पीड़न से बचने के लिए याफने ने अपने पिता लायोन नी से मी मांगी। उन्होंने से लॉरेल में बिल दिया और तब से पेड़ अपोलो के लिए पनवत्र हो गया। प्यार और जुनून का नमथक। एक और नमथक बताता है नक एफ्रोयाइट नचन तक था कोनक समय बीत गया और उसका बेटा बड़ा नहीं हुआ हमेशा एक नवद्रोही और शरारती बचा बना रहा। इस नले उन्होंने वीर की तलाश में थेमस के यज्ञ से प्रामशट करने का फैसला न किया। इस पनवत्र स्थान पर उन्होंने उसे वीर न्यानक प्रेम जुनून के बना नहीं बी सकता। येवी को सनियेश तब तक समझ में नहीं आया जब तक नक उनका एक और बेटा एटेरोस जोश का येवता नहीं था। जब वह अपने भाई के साथ था इरोस बड़ा हुआ और एक सुनिर युवक बन गया। लेंकन जब उन्होंने भाग न लिया तो वह नफर से एक नवगडैल बब्बा था। टरॉय के हेलेन का नमथक। एफ्रोआइट ने ट्रोजन राजकुमार पेरस को हेलेन के प्यार का बयान किया जब उसने एक सौयट प्रतियोगिता में उसके पी मेमतियान नकिया नक्स में येवी नहरा और एथेना का सामना न किया। हेलेन जो अपनी सुनिरता के लिए प्रंसी थी का नवाह माइसीने के राजा मेनेलॉस से हुआ था। हालांकि इरोस के एक तीर के लिए इनियवाई उसे पेरस से प्यार हो गया और प्रेमी एक साथ भाग गए नजस से ट्रोजन यूई नछड़ गया। एरेबस वह एक आणिन देवता था जो अनियरे और छाया का अवतार था जो यूनानिया के सभी नुक्कड़ और सारस को भरता था। कहा जाता है नक अनियरे की इसकी घनी यूनी यूनानिया के नकनारों को घेर लेती है और नीचे के अनियर स्थानों को भर देती है। क्या उसने ही उन्हें और उनकी बहन ननक्स इनाइट योनो को जन्म लिया था और यो भाइयों के मलन के परियाम स्वरूप उनके विपरीत पैया हुए थे ईथर और हेमेरा। उनवायक्स ने रेबस के अनियरे को हरे को रात को यूनानिया में लाते हुए आसमान में घसीटा जब नक हेमेरा ने उन्हें निन में फैलाया।
ननक्स ने इथर, उज्ज्वल और चमकियार ऊपरी हवा के प्रकाश को अवरुई करनिया और हेमेरा नेनियेरे को साफ करनिया, न जैसे इथर नफर से पृथ्वी को रोशन कर सके। एरेबस थानाटोस, एरनीस और इफन मृतक के साथ तीन नसर वाले को ये देश के संरिक सेप्टस का ननवास भी था। अगला विनियोग टाइटंस, आप इसे प्यार करने जा रहे हैं। इतिहास, पौराणिक कथाओं, इष्टन या कला के और विनियो देखने के लिए विनियो केनवरी में मेरे चैनल पर जाएं।